नमस्कार, खबर एक्सपर्ट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ युगल शर्मा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निज कार्यक्रम में बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत के प्रधानमंत्री पर सूर्य नमस्कार को लेकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत के प्रधानमंत्री खुद बेरोजगारी ला रहे हैं, जिसका उनके पास कोई निदान नहीं है। देखिए हमारे संवाददाता नूर आलम वारसी की ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़े पॉलिटिकल पार्टी को सोचिए ज्ञान ऐसे संगठन से लेना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की या देश में सरकार, और अगर ज्ञान ऐसी संस्था से लेने का मौका मिलेगा तो सोचिए देश कहाँ जा रहा है। मुझे खुशी है इस बात की कि जितने भी अभी एग्जिट पोल आए हैं, उन एग्जिट पोलों ने ये साबित कर दिया है कि दिल्ली की जनता विकास के रास्ते में चलना चाहती है। दिल्ली की जनता ने नफरत के रास्ते को नकारा है। आज ज़रूरत इस बात की है, मेरठ से लेकर के आपके ज़िले बहराइच और श्रावस्ती तक और बलरामपुर तक, गोंडा ज़िले में हमारे गन्ने की कीमत कैसे मिले, किसान को गन्ने की कीमत कैसे मिले, ये बड़ा सवाल है। सबसे पहले तो किसानों को गन्ने का भुगतान हो, उनकी आय दोगुनी का रास्ता क्या ये भारतीय जनता पार्टी बताए। हमारा किसान बर्बाद हो गया है, इधर उसको बाहर निकालने और उसके घर परिवार में खुशहाली लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पे रास्ता क्या है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश तो देश की सरकार में है, हर जगह असफल हुए हैं। चाहे उन्होंने नोटबंदी का कार्यक्रम लागू किया हो, चाहे उसके बाद GST लागू की हो, अर्थव्यवस्था उनके हाथ में नहीं है। और जब अभी बेरोजगारी के सवाल पर क्या प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, ये भारतीय जनता पार्टी का जवाब है कि बेरोजगार अगर हैं तो सूर्य नमस्कार करिए। मैं उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जानना चाहता हूँ कि बेरोजगारी के साथ साथ जो बेरोजगार बाप हैं वो कौन सा आसन करें। आज बड़ी संख्या में नौजवानों की शादियां हो गई, वो बाप बन गए लेकिन उनके हाथ में नौकरी और रोजगार नहीं है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए जानबूझ करके किसान के सवाल पर उसकी आय दोगुनी ना पूछ ले कोई, नौकरी और रोजगार के सवाल पर कोई सवाल ना कर दे। इसीलिए जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए समय समय पर भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मुद्दे लाती है। भारतीय जनता पार्टी के दो शीर्ष नेता या भारतीय जनता पार्टी के दो सबसे प्रिय कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी बाबा हैं। उनका सबसे प्रिय कार्य है पशुओं को बचाना, गाय की सेवा करना, सांड को बचाना। आप बताइए हमें बहराइच के लोगों और आसपास बस्ती सरावस्ती और बलरामपुर के, बताओ क्या मुख्यमंत्री जी अपने प्रिय कार्य में सफल हो गए? खेत खाए जा रहे हैं, खेत पे लोगों को तार लगाना पड़ रहा है। और हमारे दिल्ली वाली सरकार का सबसे प्रिय कार्य था झाड़ू लगाना, कहाँ कूड़ा खत्म हो गया। जो लोग अपने प्रिय कार्य को पूरा न कर पाए उनसे क्या उम्मीद करेंगे।